नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है मकर संक्रांति पर तुलसी मैया को आग का चूड़ा अर्पित करने का नियम कैसे लें। देखिए, ये नियम आपने मकर संक्रांति से लेकर आने वाली मकर संक्रांति तक का लाख के चूड़े का नियम लेना होता है। आपने हर रोज़ सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद तुलसी पूजन करना होता है। पहले आप जल अर्पित करें, उसके बाद आप दो कंगन लाख के तुलसी मैया को अर्पित करें। इसके बाद वो दो कंगन किसी सुहागन महिला को दे सकती हैं। चाहे तो आप अपने घर परिवार में दे सकती हैं, चाहे आप अपने आस पड़ोस में दे सकती हैं, चाहे आप मंदिर में पंडतानी को भी दे सकती हैं, जैसे आपको ठीक लगे। अगर आप डेली तुलसी मैया को लाख के दो कंगन अर्पित नहीं कर सकते, तो आपने हर मंथ की संक्रांत को दो कंगन अर्पित करने होंगे। ऐसा आप हर महीने की संक्रांत को भी कर सकते हैं और आने वाली मकर संक्रांत पर इसका अध्यापन कर सकते हैं। अध्यापन में आपने एक साड़ी लेनी होती है और एक पेंट शर्ट लेनी होती है और मूंगफली, रेवड़ी, गच्चक ये खाने की सामग्री भी आपने लेनी होती है। खाने का सामान भी लेना होता है, या फिर आप इसके अलावा आप साड़ी पर सुहाग की सामग्री भी रखें और दक्षिणा आप अवश्य रखें, जितनी आप रख सकती हैं, जितना आपका समर्थ है। दक्षिणा आप 11 रुपये से लेकर 1100 तक आप रख सकती हैं। ये सभी चीज़ें आपने अध्यापन के दिन दान करनी होती हैं। दान करने से पहले आपने इन चीज़ों को मिनसना होता है। मिनसना कैसे होता है? दाहिने हाथ में आपने जल लेना होता है। जल लेकर आपने इन सभी सामान के ऊपर से 5 बार या 7 बार घुमाएं और इस जल को आप जमीन पर छोड़ दें। इसके बाद आप इस सामान को दान कर सकती हैं। ये सामान आप अपनी सासू माँ को भी दे सकते हैं, अपनी जठानी को भी दे सकते हैं और अपनी नंद को भी दे सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप ये सारा सामान मंदिर में भी दे सकते हैं। इस नियम को लेने से पहले अगर आपका पहले कोई नियम लिया हुआ है तो आप उसी का अध्यापन करें और उसके बाद ही आप इस नियम को लें तो ज़्यादा अच्छा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।